शादी के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, सब कुछ कंट्रोल तुम्हारी होने वाली के पास होगा। ये देखो कितना अच्छा व्यू फिलहाल तुम्हारी छत का। हमारी होने वाली वाइफ बोल रही थी अब मैं अपनी बहू को भी शॉपिंग करा दो यार तुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, की हाल चाल है आप सभी के ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज होने वाला है 23वां रोजा और तुम्हारे भाई की हो गई है सुबह 12:20 पे। अभी नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, अब नमाज अदा करने के लिए चलते हैं। तो आज की कुछ प्लानिंग ऐसी है, देखो यार सुबह सोया था मैं ऐसे 5:30 बजे करीब और उठा हूं मैं 12:20 पे, सॉरी 12:00 बजे बिल्कुल चुप बजे करीब 12:10 या 5 मिनट पे उठा था। सोचो ये बस शादी से पहले इंसान कर सकता है इतनी ऐश की जिंदगी या इतना लंबा सोना, ठीक है, शादी के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, सब कुछ कंट्रोल तुम्हारी होने वाली के पास होगा, ठीक है ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, तुम्हारा सोना, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बाथरूम में रहना, तुम्हारा किचन में रहना, तुम्हारा ऑफिस में रहना, अच्छा हमको सिखा रिया, हाँ कंट्रोल उसके हाथ में रहेगा, जितना जीना है जी लो। अगर तुम्हारी शादी हुई भी हो तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना, गजब बेइज्जती है। तो अभी जल्दी से नमाज अदा करने के लिए चलते हैं क्योंकि नमाज को हो रहे हैं हम लेट, ठीक। और आज की प्लानिंग देखते हैं, आज इमरान के पास जाने वाले हैं, ठीक है। और आपने लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा तो चेकआउट कर लेना, वहां पर मैं मेहंदी के टैटू लगाने के लिए गया था, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं। हमारी कल्लो ये खड़ी है, तो ये कल्लो ये खड़ी है दिल से नमाज अदा कर रहे, मस्जिद सामने ही हमारे घर के, ठीक। नमाज अदा कर ली है, नमाज से फारिग हो रहे, अब चलते हैं हम आपसे घर पे। और आज हमें मार्केट भी जाना है, चलो भैया घर जो वगैरह से निकल गए हैं, अब ढूंढने चलते हैं कंटेंट, क्योंकि एक यूट्यूबर को कंटेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ढूंढने चलते हैं कंटेंट। आज कंटेंट मिल गया, पुलिस चौकी आ गई। तो फिलहाल तो भैया अभी मार्केट से निकल गए, आ गए और अभी जा रहा हूँ मैं अपना टी शर्ट वगैरह लेने के लिए मार्केट, क्योंकि ईद करीब में है। हमारी होने वाली वाइफ बोल रही थी कि अभी से लेकर रख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक तो देखते हैं। तो फिलहाल तो जनाब अभी नमाज अदा करके आ रहे हैं असर की, और अभी की कुछ प्लानिंग ऐसी हो रही है हमारी, अभी हम जाने वाले हैं मार्केट। उससे पहले आपकी जो होने वाली है भाभी, उनकी ये कहना है, संती खड़ी हमारी कल्लो उधर खड़ी है प्लेजर, और तुम्हारी होने वाली भाभी का ये कहना है कि इसको सेल कर दो। फिलहाल तो कोई अच्छी डील मिली तो इसको मैं सेल आउट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप भी प्लेजर देख रहे हो, स्कूटरी देख रहे हो, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सेल्फ स्टार्ट है, पुराना मॉडल है, तो बोले तो 10 या 11 मॉडल है, आई थिंक 11 का लास्ट का मॉडल है, 12 का स्टार्टिंग का आई थिंक। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है, मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्कूटरी आपको चाह रहे हो, ठीक है। तो भैया फिलहाल नमाज अदा वगैरह करके आ गए हैं और ये चारों तरफ बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर देख रहे हो, ये उधर भी बंदर, ये देखो कितना अच्छा व्यू है फिलहाल तुम्हारी छत का, देख रहे हो, ये बंदर ही बंदर, उधर भी बंदर, हम भी नीचे चलते हैं, कभी हमारे बैंड बज जाए बंदरों से। तो भैया अभी जा रहे हैं हम मार्केट, चलो। तो फिलहाल तो भैया मार्केट पहुंच गए हैं, सिस्टर ले रही है स्लीपर घर के डेली के लिए, और आज ज्यादा ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है, अफ्तार का समय हो गया है, मगर फिर भी आ रहा है क्योंकि हम एक आध दिन से सिस्टर को बार बार मना कर रहा था कि कल को चलेंगे। 5:56 हो रहे हैं, 6:40 की अफ्तार है, कम से कम सही लग रही है। लेडीज़ के साथ आ रहे हो तो समय निकाल के आओ, अभी कुछ लिया नहीं है सिर्फ स्लीपर के अलावा। अभी एक स्टोर में आए और आए हैं, देखते हैं इस टाइप का क्या
महंगी सूरत से लग रही महंगी। तो फिलहाल तो भैया मार्केट से फारिग होने के बाद सिस्टर के साथ हम आ गए हैं अपने घर की साइड और अफ्तार का सामान भी ले लिया, ज़्यादा कुछ मिला नहीं और जल्दी से हम फारिग इस हमारे हो गए क्योंकि अफ्तार का समय होने के लिए जा रहा है लगभग और घर के आसपास ही पहुंच गए हैं। घर पहुंच के मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भैया हम पहुंच गए हैं घर पे और घर पे चल रही है अफ्तार बन रहा है यहाँ पर। फिलहाल भैया यहाँ पर अफ्तार लग चुका है और समय की बात करूँ 6:40 हो गए हैं और भैया हम आ गए थे अपनी मार्केट से सिस्टर को शॉपिंग वगैरह कराने के लिए क्योंकि ईद के दिन नज़दीक हैं और इन दिनों में कवर भी करना पड़ता है। और अम्मी जान यहाँ पर किचन में बना रही है रोटी। अम्मी कैसे में रोटी बना रहे हो, खाने में क्या आज? आलू गोश्त है। अच्छा क्या ये ईद की शॉपिंग वगैरह नहीं कराओगे तुम? हैं जी कराएंगे जरूर इंशाल्लाह। अब मैं अपनी बहू को भी शॉपिंग करा दो यार तुम। बहू की करा दे। बहू की शॉपिंग करा दी तुमने? जी। चलो बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बहू की शॉपिंग करा दी मेरी जमान लड़खड़ा रही है ठीक है क्योंकि बहू के नाम पे है ही ऐसी बहू नाम चीज जिससे धड़कने ऊपर नीचे हो जाती है हार्ट बीट तेज हो जाती है। यहाँ पर बना रही है बाजी पकौड़ी। तो यहाँ पर पकौड़ी चल रही है बन रही है पकौड़ी। तुम्हारी बाजी से पकौड़ी बनाना आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। गजब बेइज्जती है। लड्डू बटवा जी सुना बाजी। देखो यहाँ पर अजान हो गई है और अभी तक हम यहाँ पर दस्तरखान पर बस बैठने के लिए जा रहे थे। तो भैया अजान हो गई है अभी इफ्तार चल रहा है ठीक है और यह है मोहब्बत का शरबत। तो भैया ना अफ्तार वगैरह कर लिया है अब नमाज अदा करने के लिए चलते हैं। 2 या 3 दिन से यही रूटीन हो रही है। नमाज वगैरह अदा कर ली है और नमाज अदा करने के बाद अभी ये रूटीन यही हो रही है। तो पंखे बंद हुए हैं, 2 लाइटें रख देता हूँ जलती हुई। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हम हो गए हैं खाने वाने से फारिग, खाना वाना खा लिया है और अभी आए हैं अपनी मम्मी के काम से। तो मम्मी को थोड़े से कैश की जरूरत थी। हम आए हैं SBI के अंदर। SBI के अंदर आने के बाद देखते हैं अभी तो थोड़ा बहुत कैश वैश की ज़रूरत है, कैश वैश निकालेंगे क्योंकि सुबह सुबह डेयरी वगैरह पर जाना भी पड़ता है घर वालों के लिए। तो देखते हैं अभी कि आगे का क्या सीन रहते हैं। अपने समय की बात करूं 11:40 यहाँ पर हो गए भैया और निकाल लिए हैं भैया पैसे। चलते हैं। हमारी अधूरी आज शॉपिंग रह गई क्योंकि हमें मार्केट भी जाना था तो जिसकी बिना पर हम मार्केट ही नहीं जा पाए। सिस्टर को लेके गया तो कम से कम ऐसे अफ्तार का समय हो गया था, उस टाइम अफ्तार के समय हमने सोचा कि हम अपनी शॉपिंग कर लेंगे मगर अधूरी अधूरी शॉपिंग हुई ठीक है। तो देखते हैं अगर अभी तो समय काफ़ी हो गया, मार्केट तो खुल रही होगी मुरादाबाद की, अगर कल को जाएंगे फिर ठीक है। फिर यहाँ से निकलते हैं इधर, इधर मुड़ना था मैं आगे जा रहा था, इधर की तरफ जा रहा हूँ वहाँ इधर मुड़ना है। ये देखो वहाँ इतनी खामोशी वाले रोड में देख रहे हो, साइडों में कोई नहीं, आगे हॉन्टेड प्लेस लग रहा है मुझे सीधा सीधा। यहाँ पर फट भी रही है ऐसे डरावने जगहों पर जाना ना भाई, खतरनाक जगह होती है मगर तुम्हारा भाई तो स्ट्रांग है ना। पतली पतली गलियों में से निकालना तुम्हारा आएगा। चलो शॉर्टकट से आ गए अपने घर की तरफ को, हम की तरफ आ गया हमारा घर। अब करते हैं गाड़ी अंदर, अंदर करते हैं गाड़ी। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं घर पे आ गया था, आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाह रहा हूँ मैं। ये ब्लेज़र जो मैंने ली है तो इसको मैं सेल आउट कर रहा हूँ, जिसको भी इंटरेस्ट हो गाड़ी लेने के लिए वो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है, जाके कॉन्टेक्ट कर सकता है ठीक है। थक गया
तो जनाब फिलहाल तो घर पे आ चुके थे, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उससे पहले मैं कमेंट रेट करके बता देता हूँ, जिस लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट करे हैं उनका मैं कमेंट यहाँ पर ब्लॉग के अंदर नाम लेकर मैं आपको सुनाया करूँगा। तो इकरा अनु बोल रहे हैं नाइस ब्लॉग भाई, थैंक यू इकरा, ठीक है। उसके बाद दीप्ति राज बोल रही हैं काली स्कूटरी पे नज़र ना लग जाए, जी हाँ इसी मारे तो काली स्कूटरी ली है। उसके बाद बोल रहे हैं यूनिक साहिल नाइस बरबलान से देख रहा हूँ, बरबलान बोले तो मुरादाबाद के अंदर ही है ये, ठीक है, जहाँ पे मेरे कज़न रहते हैं उनके साइड से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट माई यूट्यूब फैमिली। और यहाँ पर कुमार सिंह लिख रहे हैं नाइस भाई, तो थैंक यू कुमार सिंह, ऐसी सपोर्ट बनाए रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होने वाली है। और ईद के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं हम, और उससे पहले आपको मेहंदी का ऑर्डर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, या मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, अल्लाह हाफिज़।